चंद्रशेखर आजाद का विशाल प्रतिमा और से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की जय, चंद्रशेखर आजाद की जय। ये छुपा रहा मुंह। ये ऊपर का ये पुराना घर है इनका, यही इनका पुराना घर है, पहले यहाँ रहा करते थे, इसीलिए इनका यहाँ पे ये बनाया गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमारे भारत बस का असली शेर जी का घर है ये, देखो कैसे घर हुआ करता था पहले इनका। ये बहुत पुराना और ये रियल फोटो है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये पीछे की तरफ ही उनका घर है, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा फीलिंग है। बस चंद्रशेखर आजाद का घर कौन सा होगा? यहाँ से सीधे जाना। हाँ यहाँ से दोस्तों जय जगन्नाथ, जय उड़ीसा, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बैकपैक पिंटू में। और आज एक नए दिन की शुरुआत गांव के तालाब में। यार अभी सुबह को ना 9:30 बजने वाला है और धूप निकला नहीं है, ठीक है, और ठंडी पानी में नहा रहे हैं। और ये गांव का नाम है हसनबड़। और रात को पहुंचा था तो ये जगह भी आप लोगों को घुमाऊंगा, तो सबसे पहले नहा लेते, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, पानी बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए मैं ये लेके आया कि अंदर नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों रात को मैं यहीं पे आया था और ये अपने ब्रो है सालम सिंगर भाई। हमारा नाश्ता हो गया और देखो इनका घर दिखाता हूँ, पूरे देसी घर है हमारा। पहले हम लोग भी ऐसे ही घर पे रहते थे, तो यहाँ गांव है, गाय वगैरह रहता है। और ये घर है, ये हमारे भाभी जी है, वो हमारे मम्मी जी है, तो नमस्ते मम्मी जी। दोस्तों अंधेरा इसीलिए ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, और ये किचन है देखो। लेकिन चलो यहाँ का गांव आपको घुमाते हैं और ये जगह दिखाते हैं, फिर यहाँ से निकलेंगे चंद्रशेखर आजाद के गांव, जो मैं 3-4 दिन से कोशिश कर रहा हूँ पहुंचने का, लेकिन आज फाइनल में पहुंच जाऊंगा। चलो देख रहे हो, और ये गांव के खेत, और अभी हम लोग निकल पड़े घूमने के लिए। और भैया जी राम राम, जय माता दी, कैसे हैं? और दोस्तों ये अपना और एक ब्रो है, कल मिले थे, सुबह को भी मिले इस ब्रो से, राम राम जय माता दी। बाइक पे जा रहे हैं। ये हमारे नसीम भाई है, और अभी अभी हम लोग ये बाइक से ये गांव का एक चक्कर लगा के आए, बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं यहाँ से निकलने का, तैयारी करते हैं। रेडी? तो सभी से अब विदाई लेते हैं, सबसे बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारे सलाम भाई है, ये हमारी आंटी जी है, ये दादी जी है, और ये अपने ब्रो है। तो ब्रो का भी घर आप लोगों को दिखाया, और आप सबसे मेरे को जो प्यार मिला बहुत अच्छा लगा। बस सभी को बोलेंगे जय श्री राम, जय माता दी, बाय सबको। चलो बाजार मार्केट है, इन लोगों को यहीं पे बाजार कोई सामान लेना हो, बस स्टैंड हो, यहीं से भी बस वगैरह गुजरती है। यहाँ से गुजरात भी जा सकते हैं, इधर जाना है जो यहाँ से 16 किलोमीटर है, फिर चंद्रशेखर आजाद नगर जो यहाँ से 47 है, और वही आज का मेरा लोकेशन है। तो अभी ये लोग मेरे को छोड़ते हुए जा रहे हैं, बाय
बाय। बहुत मिस करूंगा यार ये। यहाँ पे आप आओगे तो आपको हर एक तरफ हरियाली देखने के लिए मिलेगा। विपुल जी आप मेरे को उदय घर तक लेके आए, आपका थैंक यू। चलते हैं। तो दोस्तों अभी मैं उदय घर पहुंच चुका हूं और ये देख रहे हो आज बाजार बैठा है यहां पे और सब गांव के लोग यहां पे आए हुए बाजार करने के लिए। दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं चंद्रशेखर आजाद का जन्म स्थान और ये इस तरफ दिखा रहा है, तो यहाँ से चलते हुए अब जाना है। भाभरा और बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बचपन में ही इनके बारे में पढ़ते हुए आए और ऐसा कमी कोई भारतीय होगा जो चंद्रशेखर आजाद के बारे में नहीं जानता होगा। तो बस अब यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पूछते हुए मेरे को जाना है। बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बस एक बार उनका घर देख लूँ ऐसा लग रहा जिंदगी धन्य हो जाएगा। नमस्ते अंकल, चंद्रशेखर आजाद का घर कौन सा होगा? यहाँ से सीधे जाना। हाँ यहाँ से सीधे चले जाओ। तो दोस्तों आप लोग ये जगह देख रहे हो, ये जगह पूरा चंद्रशेखर आजाद जी का ये जगह है और यहाँ से बस 0.5 किलोमीटर की दूरी में ही उनका घर है, उनका म्यूजियम भी है। आजाद का घर सीधे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई बालक या कोई बुजुर्ग नहीं जो उनका घर ना जानते हो। हमारे देश के सबसे बड़े फ्रीडम में से भगत सिंह भी उनके फैन थे। दोस्तों ये है आजाद स्मृति मंदिर, तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। ये बंद दिख रहा है, तो ये इनका मंदिर है और म्यूजियम कहा जाता है। ये देखिए भारतवर्ष का असली शेर देख रहे हैं। ये बहुत ये जो गांव है बहुत ज्यादा डेवलप किया गया और एक्चुअली हर एक जगह तो म्यूजियम बनाया जाता है लेकिन यहाँ पे इनका भव्य मंदिर बनाया गया है। देख रहे हैं बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए हमारे भारतवर्ष का असली शेर देख रहे हैं, ये इसी गांव से थे। यदि इनके साथी इन्हें धोखा नहीं दिया होता हमारे भारतवर्ष का नक्शा कुछ और ही होता और भगत सिंह भी आज नहीं मरते क्योंकि चंद्रशेखर आजाद उन्हें मरने ही नहीं देते और हमारा देश का इतिहास कुछ और होता। जितने भी ट्रैवलर हैं मैं सबको बताना चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन में एक बार यहाँ पे जरूर आइए, एक बार बस इनका ये गांव घूमने के लिए एक बार आइए। हाँ ये वाला रियल फोटो है ना, किसी के पास नहीं है। अरे हाँ ये चित्र आप लोग देख रहे हैं ना दोस्तों, ये कोर्ट रूम में ये पहले का आजाद जी का घर है। ये देखो कैसे घर हुआ करता था पहले इनका, ये बहुत पुराना और ये रियल फोटो है, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। उनके माताजी बहुत बीमार थे फिर भी वो देश के आजादी के लिए वो लड़ाई लड़े। बचपन में ऐसे दिखते थे, जब उनका मृत्यु हो गया तब सभी लोग इस तरीके से उनको जलाया गया। चंद्रशेखर आजाद के बारे में आप लोगों को एक बात बताऊं दोस्तों, वो बचपन में ही अंग्रेजों को पत्थर मारा करते थे तो एक बार वो पकड़े गए थे, फिर कोर्ट रूम में उनको 3 या 4 कोड़े मारे गए थे, तब उन्होंने कहा था कि आज मुझे पकड़े इसके बाद तुम मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे, ये उनका जुबानी था। उसके बाद से किसी भी ब्रिटिश और किसी की भी हैसियत नहीं हुआ उनको पकड़ के दिखाए। बस आखिरी समय में उनका किसी साथी ने धोखा दिया था जिसके वजह से उनको घेरा गया था, वरना उनको कोई नहीं पकड़ सकते थे और वो आज जिंदा होते तो
तो आज देश का नक्शा कुछ और होता और भगत सिंह भी आज जिंदा होते। सिर्फ भगत सिंह नहीं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ये तीनों ही जिंदा होते, उन तीनों को फांसी नहीं लगता। तो माता जी कुछ बताइए ना, आप कुछ सुने होंगे उनके बारे में, कैसे थे? जो भी है, दादा दादी थे, कभी बोलते थे जी, अड़ोस पड़ोस के बोलते थे, आते थे कभी भूखा पहन के आते थे। अच्छा, मतलब छुप छुप के आते थे अपने माता पिता से मिलने के लिए। और इनका परवरिश भी यहीं पे हुआ है, तो ये पूरा आप लोग जगह देख रहे हो, ये ऐसा दिख रहा है। तो ये देख रहे हो, ये ऊपर का ये पुराना घर है इनका, यही इनका पुराना घर है, पहले यहाँ रहा करते थे, इसीलिए इनका यहाँ पे ये बनाया गया। और पहले यहाँ पे एक छोटा सा कुटिया हुआ करता था, फिर सरकार ने इस जमीन को खरीद के यहीं पे इनका एक भव्य मंदिर और म्यूजियम का निर्माण किया गया। लेकिन ये अभी भी वही पुराना है। और आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को अनुभूति होगा इस जगह के बारे में। तो लास्ट टाइम ये इनका घर देखते हुए मैं जा रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, छोड़ के जाने का तो मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करे, और अंधेरा होने से पहले मेरे को जगह को देखना पड़ेगा। यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, हर एक तरफ घर है, यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। ये पीछे की तरफ ही उनका घर है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फीलिंग है। बस अब बस स्टैंड की तरफ जाएंगे, वहाँ पे आज़ाद ग्राउंड बोल के हैं, तो देखते हैं वहाँ पे रहने के लिए जगह मिलेगा कि नहीं, बड़ा ग्राउंड है वहाँ पे। और मिलके बड़ा अच्छा लगा, आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, यहाँ पे रहते हो। नमस्ते जी। नमस्कार, कहाँ से? हम उड़ीसा से। हाय जी, तो आप लोगों का नाम क्या है? भव्य। और आप सभी लोग दोस्तों, सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा मेरे को। राम राम जी। तो दोस्तों देख रहे हो कितने सारे स्टूडेंट हैं जो मिलने के लिए आए हैं यहाँ पे मेरे से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जरूर, कैमरा एक मिनट। तो दोस्तों ये सब गांव के लोग हैं, और सर जर्नलिस्ट हैं, और ये भीम सेना के संघ के अध्यक्ष हैं, और सबसे मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए पास में ही चंद्रशेखर आजाद का ये घर है, और यहीं पे सबसे मैं मिल रहा हूँ। तो आप सबसे मिलके और आप सबका जो ये प्रेम देख के मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आपका नाम? नीलेश। आप? जतिन। जतिन, दोस्तों ये लोग बस मैं गुजरा था मिले, और देखो ना इनका पैरों का ऐसा हालत है, फिर भी मेरे से मिलने के लिए, आप लोगों का ये प्रेम देख के मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। हम आपका इंतजार करेंगे आजाद गांव में, आप लोग आइएगा। का बस स्टैंड है, और यहाँ से आप एमपी के हर जगह हो, या यहाँ से गुजरात भी आप लोग जा सकते हो। देख लो, ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड नहीं है, छोटा ही बस स्टैंड है। अभी यहाँ से हम लोग सीधे निकलेंगे। तो हम लोग आ गए हैं आज़ाद ग्राउंड पे, और ये देखो चंद्रशेखर आज़ाद का विशाल प्रतिमा, और यहाँ पे इस गांव के छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग जो सब मेरे से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं। और इनमें से तो कुछ है जो पहले ही मिल चुके हम लोग, और ये छोटे मियाँ हमें यहाँ तक लेके आए, और ये सबसे अभी अभी हम लोग मिले हैं। वो चेहरा क्यों छुपाया है? तो आप लोगों का नाम जल्दी जल्दी बताओ। अंकित, अजय, अजय, आप? आनंद। आनंद और गौतम। आप? अंजल। आपका? गौतम। आप? प्रियांशु। आप सभी से मिलके मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो जोर से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की, चंद्रशेखर आजाद की। ये छुपा रहा मुंह। चार 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 चार। 42 कितना?